हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर गब्रू। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक स्पेशल लोकेशन पे जिसका नाम है कालीबाड़ी रायपुर। यहाँ पे जो पंडाल थीम लगाई गई है गणेश जी की, वो टाइटैनिक के शिप के थीम के ऊपर लगाई गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। अभी हम खड़े हैं इंदिरा गांधी चौक पे, जो आपका कालीबाड़ी में है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये इंदिरा गांधी चौक है और इसके साथ में ही लगा हुआ है जो हमारा पंडाल है, ये पीछे की तरफ आप देख रहे हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। ये है दोस्तों इंदिरा गांधी चौक, और ये चौक से आप राइट लेंगे तो राइट साइड में ही पंडाल लगा हुआ है हमारा। थोड़ा सा बच के हमें निकलना पड़ेगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो संभल के चलिएगा अगर आप आ रहे हैं तो। भीड़ काफ़ी है, थोड़ा सा कंजेस्टेड है क्योंकि मेन मार्केट में ही है ये। तो ये मेला और पंडाल दोस्तों, ये सब बहुत सड़क से ही चालू हो गया है मेला। तो आगे बढ़ते जाएंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ आ रही हैं और हमें गाड़ियों के बीच से ही गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है हमारा प्रवेश द्वार, एंट्री हमारी यहाँ से है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। चलिए दोस्तों, हम एंटर करते हैं। हम भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़ा सा एक्चुअली जगह भी मुझे लग रहा है बाकी पंडालों से जहाँ भी थोड़ी कम है जगह, और इस वजह से हो सकता है थोड़ा कंजेशन ज़्यादा है। क्राउड तो खचाखच भरा हुआ है हमारा, क्राउड तो अभी हो गई क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे ही विसर्जन के दिन पास आ रहे हैं तो क्राउड बढ़ता जा रहा है हमारा। तो हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, अंदर जाकर हम दिखाते हैं। और ये है हमारी पूरी थीम जो टाइटैनिक पे बनी हुई है। तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, आई थिंक इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू रीच। हाँ जी, तो दोस्तों ये आप देख सकते हो क्राउड बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से सामने वहाँ से सारी पब्लिक जो अंदर गई है वो तो उस साइड से निकल गई है। और ये है हमारी पूरी थीम टाइटैनिक शिप के ऊपर बनाई गई है। तो आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, छत्तीसगढ़ टाइटैनिक का नाम दिया गया इसे। चलिए हम एंटर करते हैं, फिर आपको और डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। क्राउड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और लगातार अनाउंसमेंट हो रही है आगे बढ़ने की। तो जब भी हम ऐसी जगह पे आते हैं तो मोस्टली हमें क्या है कि क्राउड ज़्यादा मिलता ही है क्योंकि भक्त बहुत ज़्यादा हैं और जगह थोड़ी कम है घुसने के लिए, तो ऑब्वियसली क्राउड का आपको सामना करना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पे भीड़ मेलों में हो ही जाती है, पर कोई बात नहीं, आपके लिए हम एंटर करेंगे भीड़ में। यहाँ पे हमें कोई वीआईपी एक्सेस का कोई जुगाड़ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें अंदर से होके ही गुजरना पड़ेगा। अदरवाइज वी हैव ए क्यूट बेबी ओवर हियर, सो आई विल जस्ट शो यू। हेलो,
व्हाट्स योर नेम? हरलीन नाम है. हरलीन? हाँ जी. या, हर नेम इज हरलीन एंड शी इज वेरी क्यूट. आगे बढ़ते जाएंगे फोटो लेने के बाद ध्यान में आ गया वहाँ पे बड़े उद्योग देखे. जगह की थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा सा कंजेशन है. अभी तक हम बाकी जितने भी पंडाल गए हैं वो सारे ग्राउंड में लगे हुए थे, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा कंजेशन का सामना नहीं करना पड़ा था. बट यहाँ पे क्या है कि एक लेन बनाई गई है और सारे जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो कंजेशन बहुत ज़्यादा है. बस हम पहुँच ही गए हैं मेन मंदिर के पास. अनाउंसमेंट कंटिन्यूस हो रही है हमें आगे बढ़ने के लिए. सो दोस्तों, आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है. सो द कमिटी इज़ नॉट अलाउिंग एनी बडी टू स्टे हियर. आगे बढ़ेंगे, मूव फॉरवर्ड, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है. जो पीछे खड़े हैं आपको किसी को भी नहीं है. ध्यान लगाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं. चलते रहिए. यहाँ रुकने के लिए किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही है. आगे बढ़ते ना, यही अनाउंसमेंट हो रही है. अजय, विजय, अब हम आपको दर्शन कराते हैं गणेश जी के. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे और भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है. और ये आप देख सकते हैं, तो क्राउड बहुत ज़्यादा है दोस्तों. हर कोई जो भी आ रहा है वो और यहाँ पे लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी यहाँ ना रुके, क्योंकि रुकने से क्या होता है कि बाकी पीछे और भी जितने भी भक्त आ रहे हैं उनको भी काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है और क्राउड बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए हम किसी को भी यहाँ पे रुकने की इजाज़त नहीं है. जो भी जैसे आ रहा है, दे हैव टू कीप ऑन मूविंग. तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों. अभी तक हम एक्चुअली पंडालों में जहाँ भी गए वहाँ क्या था, ग्राउंड था, खुली जगह थी, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी. तो यहाँ पे क्या है कि जो पंडाल है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जो मूर्ति है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है. तो मूर्ति काफ़ी बड़ी है और मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ. ये देखिए, धीरे धीरे बढ़ते रहे. हमारे जो भक्त हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और पुलिस के भी प्रबंध हैं यहाँ पे, ताकि कोई दुर्घटना या कुछ अव्यवस्था ना हो इस वजह से. धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, जाम नहीं लगाएंगे फोटो के लिए. ऐसा होता ही है दोस्तों, जब हम ऐसी जगह पे आते हैं कुछ दर्शन करने कहीं पे भी, तो लोगों का अपना मन होता है कि भी हम वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लें, कुछ कर लें. बट हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्राउड कितना है, जगह है कि नहीं है. तो ये क्योंकि मूर्ति अंदर बनाई गई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा खड़े होने की जगह कम है, तो इस वजह से यहाँ पे रुका नहीं जा सकता ज़्यादा. तो जैसा कि हमने आपको मूव करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है. चलिए दोस्तों, दर्शन तो हमने आपको करा दिए और हम देखते हैं बाहर क्या कुछ है. बस यहाँ पे लेन थोड़ी सी छोटी है, मतलब ज़्यादा लोगों की निकलने की जगह नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है. बट ओवरऑल अंदर जो डेकोरेशन करा हुई है छोटे छोटा, बहुत अच्छा लग रहा है. ये जो लाइटिंग्स लगी हुई हैं चारों तरफ से, तो ये बहुत अच्छी लग रही हैं देखने में. तो दोस्तों पंडाल तो ये छोटा ही था, बट मूर्ति काफ़ी बड़ी थी यहाँ पे जो लगी थी और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है. और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि लगातार कंटिन्यूस एक साइड से एंट्री हो रही है और इधर से एग्ज़िट हो रहा है. So the continuous people are, you know, coming in. Hey.
तो यहाँ पे प्रसाद बांटा जा रहा है और जो भी भक्त अंदर से होकर आ रहे हैं ये प्रसाद यहाँ से कलेक्ट करके तभी वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। जो मेन चीज़ है वो तो इधर है, रुकिए अभी दिखाते हैं आपको। अरे ये है दोस्तों टाइटैनिक, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जिस थीम की वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये है टाइटैनिक दोस्तों, जो घूम गया था वो जहाज यहाँ मिल गया है। तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी बहुत मेहनत लगी होगी ये बनाने में। और जय भोले ग्रुप आपका स्वागत करता है। तो जय भोले ग्रुप है जिन्होंने मतलब ये ऑर्गेनाइज किया है और जिनके योगदान से ये शिप यहाँ बनाई गई है। और बीच में अगर आप देखेंगे तो गणेश जी की मूर्ति भी रखी गई है ऊपर, जैसे जहाँ पे लाइट जल रही है आप देख सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति है ऊपर, अगर आप देखोगे भगत सिंह जी की तस्वीर है और इंदिरा भारत माता अब्दुल कलाम शहीद, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है क्योंकि बाकी जितने भी पंडालों में हम गए हैं वहाँ पे थोड़ी मतलब मंदिरों की ज़्यादा थीम हमने देखी है, तो ये कुछ डिफरेंट है और थोड़ा यूनिक है कि यहाँ पे एक शिप की थीम को लेके पंडाल बनाया गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी यूनिक भी है। दोस्तों हम पटाखे चलाए जा रहे हैं यहाँ पे, अरे कहाँ भाई। ओके दोस्तों अब हमारा जाने का वक्त हो गया है, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप बताइएगा ज़रूर हमें आपको ये लोकेशन कैसी लगी और यहाँ का जो पंडाल बनाया गया है टाइटैनिक की थीम पे वो आपको कैसा लगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी पंडालों से और क्राउड यहाँ पे भी काफ़ी है, अभी भी लोग आ ही रहे हैं सारे। तो हम चलेंगे अब आपको कहीं और दूसरी लोकेशन पे लेके।